अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा राइस। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 750 ग्राम हमने बासमती चावल लेना है। इसे हमने एक घंटे के लिए सोख करके रख लिया था। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। नमक लेना है, 3 लौंग लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेना है। शाही ज़ीरा लेंगे 1.5 टेबल स्पून। कोथमीर लेंगे, तेज़पत्ता लेना है 3 तेज़पत्ता, और 4 हमने हरी मिर्च लिया है, इसे स्लिट करके रख लिया है। 1/3 कप तेल डालना है। इसे गर्म करने के बाद खड़े गर्म मसाले डालेंगे इसके अंदर। 1 मिनट के लिए इसे सौते कर लें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे सौते कर लेंगे। में शाही ज़ीरा डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भी हमें सौते करना है। इसे ब्राउन होने नहीं देना है, आपको इसका ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो 1.5 कप आपको पानी लेना है। हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसे उबाल आने देंगे पानी में। पानी में जब उबाल आने लगेगा इसके अंदर हम सोख चावल डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, इसे हाई फ्लेम पे हमने पकने देंगे। इसे 7 से 8 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए पानी सूखने लगा है। जब स्मॉल बबल्स, आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। दस मिनट के बाद ज़ीरा राइस तैयार है। आप इसे गरम गरम दाल या ग्रेवी के साथ में सर्व कर सकते हैं। कोथमीर के साथ में गार्निश कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।